हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिस पे हम चर्चा करने वाले हैं आपके 11 अक्टूबर से लेकर के 20 अक्टूबर तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स पर। आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं उस पर कैबिनेट के द्वारा कुछ निर्णय लिया गया है जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, तो आज का वीडियो पूरा देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। साथ ही साथ सीजीपीएससी ई पाठशाला टेस्ट सीरीज के लिए जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कराया था, आज मॉर्निंग में सुबह 9 बजे उन सभी के ईमेल आईडी पर टेस्ट पेपर्स मेल कर दिए गए हैं। ठीक, तो जिस भी कैंडिडेट को बाई चांस अगर किसी टेक्निकल इशू के कारण उसे अगर मेल रिसीव नहीं हुआ होगा तो वो व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट करके आपके क्रॉस चेक करवा सकते हैं। दूसरी चीज, आप पेपर सॉल्व करके मस्ट है कि अपना रैंक जरूर सबमिट कीजिएगा। कल शाम 7 बजे तक जितने भी लोगों की रैंकिंग कलेक्ट हुई रहेगी उन सभी के साथ एक पर्टिकुलर पीडीएफ या उसके फोटोज आपके टेलीग्राम और फेसबुक में शेयर कर दिए जाएंगे। मस्ट है, अपना रैंक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है चर्चित स्थान। चर्चित स्थान में पहला है आपका प्रदेश का पहला आदर्श थाना। प्रदेश का पहला आदर्श थाना का लोकार्पण किया गया है आपका आमानाका चौक रायपुर में। रायपुर के आमानाका चौक टाटीबंड से कुछ दूरी आगे पर भारत माता जो स्कूल है उसके पास ही आपका प्रदेश का पहला आपका आदर्श थाना खोला गया है। आदर्श थाना इन द सेंस ये पूरी तरीके से एक हाईटेक थाना होगा। यहाँ पे महिलाओं के कार्य करने के लिए एक अलग ऑफिस होगा। यहाँ पे लगभग 300 लोगों के ठहरने के लिए यहाँ पे स्थान होगा। यहाँ पे जो आपकी जो साइबर सेल है वो आपके थोड़े एडवांस होंगे। मतलब एक आदर्श थाना के रूप में से डेवलप किया गया है, जो कि एक पर्टिकुलर जो आपके कॉर्पोरेटिव सेक्टर के जो आपके ऑफिस रहते हैं उसके तर्ज पर यह थाना डेवलप किया गया है, जो कि एक सर्व सुविधा युक्त थाना कहा जा सकता है। तो याद रखिएगा कि प्रदेश का जो पहला आदर्श थाना इसका लोकार्पण कहाँ किया गया है, यह है आपका आमानाका चौक रायपुर में। ठीक, नेक्स्ट है कुछ घोषणाएं, समझिएगा। नगर पालिका और तहसील। नगर पालिका, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा आपका जो कोरबा जिला है, कोरबा जिला का आपका बांकी मोंगरा, कोरबा जिला का बांकी मोंगरा को आपका नए नगर बनाए जाने की घोषणा की है। देखिए, बनाया गया नहीं है, घोषणा की गई है। इससे पहले भी जो कुछ वीडियो है उसमें हमने कुछ तहसीलों के नाम हमने उसमें भी याद किए थे, बट वो जितने भी तहसीलों के नाम आपको बताते आ रहा हूँ, जितने भी आपके ये नगर नाम बताते आ रहा हूँ, इन पे अभी केवल घोषणाएं की गई है, इन्हें अभी बनाया नहीं गया है। ठीक, नेक्स्ट है तहसील बलौदाबाजार। बलौदाबाजार जिला का जो लवन है, लवन जो कि अभी वर्तमान में यह एक उप तहसील है, लगभग इसके अंतर्गत आपके 70 के आसपास कुछ आपके गांव आते हैं, तो ये जो आपका जो लवन है जो कि बलौदाबाजार जिले के लवन जो कि वर्तमान में आपका उप तहसील है उसे पूर्ण तहसील का दर्जा दिए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। ठीक, उसके अलावा है आपका दर्री हरदी बाजार और आपका पसान। दर्री हरदी बाजार और आपका पसान, ये जो तीन है, ये इन तीन जगहों को तहसील बनाए जाने की घोषणा की गई है। ये मौजूद है आपके कोरबा में, मैंने यहां लिखा नहीं है, यहां नोट डाउन कर लीजिएगा। ये जो तीन जगह है आपका दर्री हरदी बाजार और आपका पसान, ठीक, ये जो तीन है इन तीन जगहों को आपके तहसील बनाए जाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। ठीक, ये कहां पर है, आपके कोरबा जिले में। नेक्स्ट है देश का पहला गार्बेज कैफे। देश का पहला गार्बेज कैफे, इस पर हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी हाल फिलहाल में इसका लोकार्पण किया गया है। पहले जो हम पढ़े थे उसमें खोले जाने की आपका बात कही गई थी, मतलब प्रदेश का पहला आपका गार्बेज कैफे, अभी इसका लोकार्पण कहां हुआ है, ये हुआ है आपके अंबिकापुर में। अंबिकापुर आपके सरगुजा जिले के अंबिकापुर में, अंबिकापुर नगर निगम के द्वारा खोला गया है ये आपका देश का पहला गार्बेज कैफे। ये गार्बेज कैफे काफी इंपॉर्टेंट है, इस साल होने वाले किसी न किसी एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे ही जाएंगे। ये हमारे केवल स्टेट लेवल पे नहीं, ये स्टेट लेवल के साथ साथ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे भी चर्चा रहा। ये जो आपका गार्बेज कैफे है इसके ऊपर यूएन यानी यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में इस पर चर्चा हुई है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, नेशनल न्यूज भी रहा, इंटरनेशनल न्यूज भी रहा और स्टेट न्यूज तो है ही। तो याद रखिएगा, देश का जो पहला जो गार्बेज कैफे है इसका लोकार्पण हुआ है आपके अंबिकापुर में। प्रदेश का बड़ा मुर्गी बाजार, देखिए
वैसे तो ये करंट अफेयर का इश्यूज बनता नहीं है या करंट अफेयर का कोई टॉपिक बनता नहीं है, लेकिन फिलहाल इसे जान लीजिए। देखिए जो आपका अभी जो आपका बस्तर में जो दशहरा का आयोजन किया जा रहा था, तो बस्तर में दशहरा आयोजन का पूरा समापन होने के बाद जो एक यात्रा निकलती है गंगा मुड़ा यात्रा, जिसमें आपके दंतेश्वरी देवी की विदाई की जाती है, ठीक। तो जब दंतेश्वरी देवी आपके जो बस्तर से विदा होकर के जब वो आपके दंतेवाड़ा में आती है, तो दंतेवाड़ा में आपका ये जो दंतेवाड़ा में ही बहुत एक मेला का आयोजन होता है। तो दंतेवाड़ा के जो आपके जगदलपुर गीदम जो आपका हाईवे है, उस हाईवे में ही पड़ता है एक छोटा सा ग्राम जिसका नाम है आपका डिलमिली ग्राम, ठीक। डिलमिली ग्राम, ये जो डिलमिली ग्राम है यहां पर मौजूद है आपका प्रदेश का एक बड़ा मुर्गा बाजार, प्रदेश का बड़ा मुर्गा बाजार, ठीक। ये मेले का आयोजन ही होता है आपके दंतेश्वरी माता के स्वागत में। तो ये जो आपका उसी बीच में पड़ता है एक आपका डिलमिली ग्राम, तो इसी मेले के अवसर में यहां पर लगता है डिलमिली ग्राम में प्रदेश का सबसे बड़ा मुर्गा बाजार, ठीक। अभी ये जो करंट में इसमें न्यूज आया था, ये भी काफी नेशनल लेवल का न्यूज बना था कि हमारे छत्तीसगढ़ का ये जो डिलमिली ग्राम है जहां पे मुर्गा बाजार है, यहां पे मुर्गे लोगों की लड़ाई करवाई जाती है, और उन मुर्गों की लड़ाई में आदिवासी लोगों ने लगभग 1 करोड़ रुपए तक की बोली लगाई थी। मुर्गे की लड़ाई के ऊपर हमारे प्रदेश के आदिवासियों ने 1 करोड़ रुपए तक की बोली लगाई थी। तो काफी आपके न्यूज में रहा था ये, तो बस याद रखिएगा कि प्रदेश का जो सबसे बड़ा मुर्गी बाजार है वो है आपका डिलमिली ग्राम दंतेवाड़ा में। नेक्स्ट है पाताल भैरवी राजनांदगांव के पाताल भैरवी में आपके शरद पूर्णिमा के दिन आपका यहाँ पे दमा और अस्थमा के मरीजों के लिए जड़ी बूटी युक्त खीर बांटा जाता है, खीर का वितरण किया जाता है। देखिए शरद पूर्णिमा में खीर का बहुत महत्व रहता है। जो आपका खीर है, ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो आपके रात के समय शरद पूर्णिमा की रात्रि को जो आसमान से जो आपकी ओस की जो बूंदें गिरती है यदि वह ओस की बूंदें आपके खीर में पड़ती है तो वो खीर अमृत हो जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो पाताल भैरवी जो राजनांदगांव है यहाँ पे आपके दूर दूर से जिनको श्वास की प्रॉब्लम है, दमा की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है, ऐसे लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर आपका बहुत मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में आपका यहाँ पे खीर बनाया जाता है, उस खीर में आपके जड़ी बूटी डाली जाती है और शरद पूर्णिमा की रात्रि में इस खीर को खुले में छोड़ दिया जाता है। शरद पूर्णिमा के अगले दिन इसमें यहाँ पर आपका इस जड़ी बूटी युक्त जो खीर है उसे लोगों में बांट दिया जाता है। इसमें देखिए ये जो आपका जड़ी बूटी युक्त जो खीर है ये दमा के इलाज के लिए, दमा अस्थमा और श्वास की जिनकी समस्याएँ हैं उनके इलाज के लिए ये खीर काफ़ी फायदेमंद है, ठीक। नेक्स्ट है देखिए अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रदेश में दशहरा का आयोजन हुआ, कई जगह आपका रावण दहन होते हैं, लेकिन हमारे प्रदेश में कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे रावण का दहन नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि उनकी मान्यता यह है कि जो आपका रामायण है, रामायण में रावण के वध का उल्लेख है, न कि दहन का। तो ऐसा ही एक आपका जो ग्राम है वो है आपका सोना मगर ग्राम नगरी ब्लॉक धमतरी। ये प्रश्न पीएससी में पूछा गया है कि कहाँ पे आपका रावण का, पीएससी नहीं आई थिंक व्यापम में आया था ये प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस स्थान पे रावण का जो है मिट्टी के रावण का वध किया जाता है, ये प्रश्न आया हुआ था, ठीक। तो याद रखिएगा यही है वो सोना मगर ग्राम नगरी ब्लॉक धमतरी में, ठीक। यहाँ पर क्या होता है कि देखिए यहाँ पर गीली मिट्टी का एक अर्धनग्न रावण बनाया जाता है। चूंकि यहाँ पर जो रावण है वो अर्धनग्न रहता है, तो इसलिए इस दशहरे में जो रावण का जो वध किया जाता है उसमें महिलाओं का शामिल होना निषेध है, ठीक। तो यहाँ पे जो गीली मिट्टी का एक रावण बनाया जाता है, यहाँ पे एक शारदा माता का मंदिर है, पूजा अर्चना के पश्चात उस शारदा माता के मंदिर के प्रांगण में रखे हुए कटार से इस रावण के ऊपर हमला किया जाता है और रावण के जो मिट्टी का जो उसका एक प्रतिरूप बनाया जाता है उसका टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है और उस मिट्टी को स्थानीय लोग अपने घर में लेके जाते हैं, सुख समृद्धि आती है, ऐसी मान्यताएं हैं। तो याद रखिएगा कि हमारे प्रदेश में मिट्टी के रावण का वध कहाँ किया जाता है, तो ये है आपका धमतरी जिले में। वैसा ही है एक लंकेश्वरी देवी मंदिर। ये लंकेश्वरी देवी मंदिर, ऐसी मान्यता है कि लंकेश्वरी देवी मंदिर है जो आपके रामायणकालीन जो लंका है उसकी रक्षा करती है ये देवी, ऐसी स्थानीय मान्यताएं हैं। रावण जो आपके लंकेश्वरी देवी ये इसका मंदिर मौजूद है आपके देवभोग, गरियाबंद जिले के देवभोग में मौजूद है आपके लंकेश्वरी देवी का मंदिर। देखिए हनुमान जी से युद्ध के पश्चात ये जो लंकेश्वरी देवी जो युद्ध में हार गई हनुमान जी से, उसके पश्चात उन्होंने आकर के यहाँ शरण लिया,
ऐसे स्थानीय लोग मानते हैं। यहाँ पर आप सभी को मालूम है कि हमारे प्रदेश का जो आपका दंडकारण्य है, दंडकारण्य रावण के भाई खरदूषण का क्षेत्र माना जाता है। उसी के नाम पर हमारे प्रदेश का एक जगह का भी नाम पड़ा है, ऐसा ऐसा किंवदंती है खरौद, जो कि खर और दूषण के साम्राज्य का ही एक हिस्सा था और पूरा का पूरा दंडकारण्य प्रदेश आपके खरदूषण के क्षेत्र के अंतर्गत आता था। ठीक, तो इसीलिए यही क्षेत्र, ये खरदूषण का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में ही आकर के लंकेश्वरी देवी ने अपना वास लिया था या शरण लिया था। तो इसी स्थान पर बना हुआ है आपके लंकेश्वरी देवी का मंदिर, जो कि पूरे साल भर में एक ही दिन दशहरे के अवसर पर इनके मंदिर का दरवाजा खुलता है। इस देवी से अनुमति लेने के पश्चात ही यहाँ पर रावण दहन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि लंकेश्वरी देवी का मंदिर हमारे प्रदेश में कहाँ पर है, वो है आपके देवभोग गरियाबंद में। नेक्स्ट है आपका प्रदेश का पहला एस्ट्रोग्रास फुटबॉल वॉलीबॉल स्टेडियम। देखिए अभी हाल फिलहाल में हमारे प्रदेश का पहला एस्ट्रोग्रास फुटबॉल हॉकी स्टेडियम का लोकार्पण किया गया। इससे पहले भी आपके फुटबॉल स्टेडियम खुले हुए हैं, वो आपके एस्ट्रोटर्फ थे, हॉकी स्टेडियम थे, हॉकी स्टेडियम खुले थे आपके एस्ट्रोटर्फ के। ये क्या है फुटबॉल स्टेडियम, ये है एस्ट्रोग्रास का। ठीक, एक प्रकार का ये आर्टिफिशियल ग्रास होता है, घास होता है। देखिए ये जो आपका प्रदेश का पहला जो एस्ट्रोग्रास है, ये फुटबॉल और वॉलीबॉल दोनों का स्टेडियम है। ये इसका लोकार्पण किया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा। ये सेक्टर 2 भिलाई, दुर्ग जिला के सेक्टर 2 भिलाई में इसका उद्घाटन किया गया है। देखिए ये जो आपका लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बना हुआ यह एस्ट्रोग्रास फुटबॉल वॉलीबॉल जो स्टेडियम है, इसमें एक ही समय पे 3 खेल खेले जा सकते हैं। यहां पर आपके 3 स्टेडियम बनाए गए हैं, एक ही स्टेडियम के अंतर्गत आपके 3 कोर्ट बने हुए, कोर्ट इन द सेंस देखिए यहां पर एक फुटबॉल के लिए बना हुआ है और 2 आपके वॉलीबॉल के कोर्ट बने हुए हैं। इसमें 3 स्टेडियम है, 2 वॉलीबॉल के और 1 आपके फुटबॉल के। ठीक, एक ही समय पर यहां पर 3 खेल हो सकते हैं, लगभग 300 लोगों की बैठने की इसमें व्यवस्था है, काफी बड़ा स्टेडियम बनाया गया है। इसका जो नाम है, इसका नाम स्वर्गीय राजीव पांडे के नाम पर रखा गया है, जो कि आपके वॉलीबॉल के पहले कोच थे। ठीक, वॉलीबॉल के कोच रह चुके हैं, पूर्व कोच थे। ठीक, उनके नाम पर रखा गया स्वर्गीय राजीव पटेल एस्ट्रोग्रास फुटबॉल वॉलीबॉल स्टेडियम। ठीक, याद रखिएगा। नेक्स्ट है लौटते हुए मानसून से वर्षा। हमारे प्रदेश में लौटते हुए मानसून से वर्षा कहाँ होती है, तो याद रखिएगा दक्षिण बस्तर में। प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसे प्रश्न अक्सर पीएससी जनरल स्टडी में उठाता है। देखिए हमारे प्रदेश में जो वर्षा, देखिए हमारे प्रदेश में जो आपके छत्तीसगढ़ का मैदान वाला क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ के मैदान वाले क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए ये एक आपका छत्तीसगढ़ है, ये आपका मध्य छत्तीसगढ़ है, ये आपका उत्तर छत्तीसगढ़ है, ये आपका दक्षिण छत्तीसगढ़ है। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका मध्य में जो वर्षा होती है, ये आपके दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसकी 2 शाखाएँ रहती है। एक होती है अरब सागर की शाखा और दूसरी होती है आपके बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो इन 2 शाखाओं से सर्वाधिक मात्रा में बंगाल की खाड़ी की शाखा से मध्य छत्तीसगढ़ में वर्षा होती है और कुछ मात्रा में आपके अरब सागर की शाखा से होती है। ठीक, फिर आता है आपका ये उत्तर छत्तीसगढ़ में क्या होता है, उत्तर छत्तीसगढ़ में जो आपके शीतकाल में जो वर्षा होती है, ये पूछा गया प्रश्न है पीएससी में, उत्तर छत्तीसगढ़ में जो शीतकाल में वर्षा होती है उसका कारण रहता है आपका पश्चिमी गर्त यानी पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है। इसका कारण जो आपके पश्चिमी क्षेत्रों में जो आपके सागर है, उन सागरों से आने वाली हवाओं से यहाँ पे वर्षा होती है, जिसे कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ या पश्चिमी गर्त की हवाएं। तो उससे वर्षा होती है आपके उत्तरी छत्तीसगढ़ में और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में आपके लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है आपके दक्षिणी छत्तीसगढ़ में। इंपॉर्टेंट है, तीनों के तीनों से प्रश्न पूछे जाते हैं, घुमा फिरा के प्रश्न आएगा। ध्यान दीजिएगा कि लौटते हुए मानसून से किस क्षेत्र में आपकी वर्षा होती है, तो याद रखिएगा दक्षिण छत्तीसगढ़ में या दक्षिण बस्तर में, स्पेशली दक्षिण बस्तर में। देखिए बस्तर 3 भाग में बटा हुआ है, उत्तर बस्तर, मध्य बस्तर, दक्षिण बस्तर। उत्तर बस्तर कांकेर, मध्य बस्तर बस्तर और दक्षिण बस्तर के अंतर्गत पहले दंतेवाड़ा आता था, तो दंतेवाड़ा से टूटकर जो जो जिले बने हैं वो सभी के सभी आपके दक्षिण बस्तर के अंतर्गत आते हैं। ठीक, तो आपके लौटते हुए मानसून से दक्षिण बस्तर में वर्षा होती है। नेक्स्ट है आपका डाक टिकट।
डाक टिकट। देखिए भारतीय डाक विभाग के द्वारा पूरे भारत भर में से कुछ विलुप्त प्राय जीव जो आपके प्राणी हैं उनकी सूची तैयार की गई तथा उसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए उन पर एक डाक टिकट जारी किए गए। तो इसी भारतीय डाक विभाग की सूची में शामिल है आपका वन भैंसा। ये वन भैंसा हमारे छत्तीसगढ़ का जो राजकीय पशु है उसे भी शामिल किया गया है। तो भारतीय डाक विभाग के द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के जो राजकीय आपका राजकीय जो जीव है ये वन भैंसा, ठीक, उसका एक डाक टिकट जारी किया गया है। क्यों? उसके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए, ठीक। नेक्स्ट है आपके लाइफलाइन एक्सप्रेस। लाइफलाइन एक्सप्रेस जो कि हाल फिलहाल में पहुंची है आपके कोरबा रेलवे स्टेशन में। ये लाइफलाइन एक्सप्रेस है क्या? ये लाइफलाइन एक्सप्रेस देश की पहली चलित रेल अस्पताल है। एक रेलगाड़ी है, एक ट्रेन है जो कि पूरी तरीके से अस्पताल है, एक रेल चलित अस्पताल है, ठीक। इसमें आपकी टोटल आपकी 7 बोगी है। इस 7 बोगी में से आपके 2 बोगी है जो कि ऑपरेशन थिएटर है। 7 बोगी वाली यह एक ट्रेन है जो कि रेल चलित अस्पताल है। इस 7 बोगी वाले ट्रेन में आपके 2 ऑपरेशन थिएटर है। 2 ऑपरेशन थिएटर है जिसमें एक टाइम में 50 ऑपरेशन हो सकते हैं। 40 डॉक्टरों की टीम इसमें शामिल है। समझिएगा, ये जो आपका देश की पहली रेल चलित अस्पताल है इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1991 से भारतीय रेल तथा इम्पैक्ट इंडिया फाउंडेशन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तथा यह ट्रेन उन क्षेत्रों में जाती है जहां पर लोगों के पास, जैसे जो आज के समय की जो टेक्नोलॉजी है, जो वर्तमान टेक्नोलॉजी में जो आपके इस मेडिकल क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी आए हैं, उन टेक्नोलॉजी के माध्यम से उन तक आपके एकदम निःशुल्क उन तक आपकी चिकित्सकीय सुविधा पहुंचा सके। तो ये जो आपके कोरबा में जो ट्रेन आई है, देखिए ट्रेन चल रही है वर्ष 1991 में, प्रदेश में पहली बार यानी हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार ये लाइफलाइन एक्सप्रेस आई थी वर्ष 2002 में, वो भी कोरबा में ही आया था, ठीक। तो प्रदेश में कोरबा जिले में सबसे पहली बार ये लाइफलाइन एक्सप्रेस आई थी वर्ष 2002 में। इस बार फिर वर्ष 2019 में आया है। 7 बोगी वाला ट्रेन है जिसमें 2 ऑपरेशन थिएटर है। 50 एक समय में 50 ऑपरेशन इसमें किए जा सकते हैं। 40 डॉक्टरों की इसमें टीम है, ठीक है। लगभग 2000 के आसपास कुछ आपके लोगों के इलाज किए जाने की इसमें टारगेट रखा गया है, जिसमें कैंसर, दांत के इलाज, सर्जरी, सारी सुविधाएं इसमें दी जाएगी। नेक्स्ट है आपके गोठान दिवस। आप सभी को मालूम है कि गौवंशीय जानवरों की संरक्षण के लिए तथा उससे जो एक उचित उत्पादन लिया जा सके इसके लिए हमारे प्रदेश में जगह जगह पे गौठान खोले जा रहे हैं। तो उसी कड़ी में हमारे प्रदेश में गौठान दिवस मनाए जाने की घोषणा की है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। गोवर्धन पूजा जो कि आपका दीपावली या लक्ष्मी पूजा के जो अगला दिन रहता है जिसे गोवर्धन पूजा के रूप में मनाया जाता है, तो गोवर्धन पूजा के दिन गोठान दिवस मनाए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की है। नेक्स्ट है प्रदेश में राशन कार्ड धारियों की संख्या। आप सभी को मालूम है कि हमारे प्रदेश में वर्तमान में राशन कार्डों के नवीनीकरण का कार्य चल रहा है। हमारे प्रदेश में अभी जो पहले के डाटा है उसके हिसाब से लगभग 58 लाख के आसपास लोग मतलब राशन कार्ड धारी मौजूद थे। नवीनीकरण का कार्य किया गया जिसमें से लगभग 2 लाख राशन कार्ड इनवैलिड हो गए, अपात्र घोषित कर दिए गए। बचे 2 लाख अपात्र घोषित किए जाने के बाद 56 लाख राशन कार्ड धारी बचे। इसमें आपको मालूम होगा प्रदेश सरकार ने यहाँ पे सार्वभौमिक पीडीएस प्रणाली लागू किए जाने की घोषणा कर दी है। उसमें एपीएल कार्डधारियों को भी शामिल किया गया है। तो आपके पूरे प्रदेश भर में से लगभग 5 लाख एपीएल कार्डधारियों के नए आवेदन शामिल हुए हैं, जिसके पश्चात अब वर्तमान में आपके नए राशन कार्डधारियों की संख्या हो जाएगी आपके 61 लाख आपके राशन कार्डधारी हो गए हैं। नेक्स्ट है आपके ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की सूची में हमारे छत्तीसगढ़ का रायपुर है 7वें स्थान पर। यह करंट अफेयर का टॉपिक नहीं है, इसको लेकर किसी ने फेसबुक में कमेंट भी किया था कि यह काफी पुराना न्यूज है। अरे ठीक है, न्यूज पुराना हुआ तो क्या हुआ, आपको चीजें याद होनी चाहिए, मेंस में लिखने में काम आएगा, प्री में क्वेश्चन फंसेगा तो याद आएगा। 2018 का करंट अफेयर है, आई नो, बट चीजों को याद रखो। जो चीज शेयर करता हूं फेसबुक में उसे पढ़ने के काम किया करो, उसको जबरदस्ती उसमें कमेंट करके पुराना करंट अफेयर है, नया करंट अफेयर है, वो फालतू चीजों पर ध्यान मत दिया करो, ठीक है। तो ईज ऑफ
लिविंग इंडेक्स की सूची में हमारा जो रायपुर है वो आपके सातवें स्थान है पर है। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब क्या होता है, यानी एक शहर में रहने के लिए जितनी भी बुनियादी सुख सुविधाएं हैं जैसे बिजली आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति, जो आपके सड़क मार्ग, सुगम मार्ग, ये सारी जो एक बुनियादी सुख सुविधाएं मौजूद होती है एक अच्छे जीवन जीने के लिए, उन सारी चीजों को शामिल किया जाता है इसकी इंडेक्स में, इस सूची के अंतर्गत। ठीक है, तो याद रखिएगा ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में रायपुर आपके सातवें स्थान पर है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति तथा आदिवासी संस्कृति तथा उनके नृत्य को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के लिए, उन्हें एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करने के लिए हमारे प्रदेश में आपका 27, 28, 29 इस तीन दिन 27 दिसंबर, 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को आपका प्रदेश में राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव। देखिए हमारे प्रदेश में जो आपके युवा है, युवा वर्ग के लोगों की जो कला है उनके अंतर्गत जैसे खेल की भावना हो गई, अन्य कला जैसे चित्र कला हो गया, आपका नृत्य कला हो गया, तो एक युवाओं के अंतर्गत छुपी गई हुई प्रतिभाओं को निखारने के लिए हमारे प्रदेश में आयोजन किया जा रहा है छत्तीसगढ़ युवा महोत्सव का, जिसका आयोजन होगा आपका 15 अक्टूबर 2019 से लेकर के आपका 14 जनवरी 2020 तक। इसका आयोजन तीन स्तर पर होगा, विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर। विकासखंड स्तर पर इसका आयोजन होगा 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक, जिला स्तर पर इसका आयोजन होगा 15 नवंबर से लेकर के 10 दिसंबर तक, तथा आपका राज्य स्तर पर इसका आयोजन होगा आपका 12 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी 2019 तक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट इंडिया इनोवेशन इंडेक्स। अच्छा हाँ, देखिए ये चीजें पढ़ाने से पहले आप लोगों को कुछ चीज बताना चाहता हूं कि देखिए ये जो हमारा वीडियो है ये आप लोगों के साथ साथ ये भी समझ लीजिए कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले भी देखते हैं। आपको मैंने कुछ समय पहले एक इंसिडेंट, जस्ट अभी 2-3 दिन पहले एक आपको एक इंसिडेंट मैंने शेयर किया था। टू दी चीज़ें, जो चीज़ें बोर्ड पर लिखी गई है टू दी चीज़ें कॉपी कर दी जाती है बिना दिमाग लगाए। जो चीज़ें मैं गलत लिखता हूँ उस चीज़ों को भी गलत लिख देते हैं। जब उनसे कांटेक्ट करके बात किया जाता है तो वो क्या बोलते हैं कि आपके वीडियो में ढेर सारी गलतियाँ रहती है, आप बोलो तो हम कमेंट करके बताते हैं। अरे जब वीडियो में गलतियाँ रहती है तो आप लोग देखते क्यों हो वीडियो, और ऊपर से एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी वाली बात करते हैं। बोर्ड पे लिखी हुई चीजों को टू दी प्रूफ उनके सामने पेश भी कर रहा हूं, कोई एक छोटे बच्चे को भी दिखाओगे तो उंगली रख के बता देगा कि दोनों चीजें सेम है। निशुल्क की जगह फ्री लिखता हूं उसको कॉपी कर देते हैं पूरे के पूरे टेबल। अरे ठीक है, तुमको कंटेंट चाहिए, वीडियो देखो, अपना कंटेंट बनाओ, मेरा जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है उसको तक कॉपी कर दे रहे हो। छोटे मोटे कोचिंग सेंटर करते हैं तो समझ में आता है, बड़े बड़े नाम जो टैग लगा के घूम रहे हो उन लोग तक कॉपी कर रहे हैं। मुझे मालूम है अभी आज का भी वीडियो वो देख रहे होंगे करके इस चीज़ों को शेयर कर रहा हूं मैं। इस चीज़ों को दोबारा कॉपी करने की यदि कोशिश की ना, सोशल मीडिया पे धज्जियां उड़ा दूंगा मैं। आपसे अच्छे तो छोटे छोटे कोचिंग सेंटर वाले लोग हैं जो सामने से कॉन्टैक्ट करके बोल रहे हैं कि आप अपने टेस्ट सीरीज का जो पेपर है वो हमें भी शेयर कीजिए, हमको हमारे कोचिंग सेंटर में आप जो टेस्ट पेपर है उसको हम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अपने स्टूडेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे करके सामने से बता करके टेस्ट पेपर ले रहे हैं। आप लोग कितनी चोरी नहीं कर रहे हैं, बड़ा बड़ा नाम लगा करके, टैग लगा करके, सिलेक्शन लिस्ट टंगा करके ऐसे छोटी चिंदी बना वाला काम करते हो। फोन करो तो शुरू में अकड़ दिखाते हो, जब सोर्स ऑफ कंटेंट कहाँ का है, सोर्स ऑफ करंट अफेयर कंटेंट कहाँ से उठाया गया है पूछो तो हवा निकल जाती है। चोरी करने का काम मत करना, लगता है उठा लो लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन अगर कंटेंट कॉपी हुआ तो सोशल मीडिया पे भी मिल जाना फिर आप। देखिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स क्या होता है। इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार। ये जो इनोवेशन इंडेक्स है ये पहले आपके इंटरनेशनल लेवल पे जितने भी देश है उनकी नवाचार के आधार पर एक रैंकिंग जारी की जाती है। नवाचार मतलब कोई देश अपनी नीतियों के माध्यम से, अपने पॉलिसी के माध्यम से अपने विकास के लिए किस प्रकार के कार्य किए कर रहा है वो आपके इनोवेशन यानी नवाचार के अंतर्गत आता है। तो इसी के तर्ज पे हमारे इंडिया में जो आपके इंडिया के जितने भी राज्य हैं उन राज्यों की एक नई सूची जारी की गई।
इनोवेशन इंडेक्स यानी नवाचार सूचकांक जारी किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल जो कोई हमारे छत्तीसगढ़, हमारे जो इंडिया है, इंडिया के जो राज्य है, इंडिया के जो जितने भी आपके स्टेट है, वो अपने विकास के लिए किस प्रकार की नवीन नीतियों को फॉलो कर रहे हैं, किस प्रकार की नई पॉलिसी ला रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ दिल्ली की, दिल्ली सरकार, जैसे आप सभी को मालूम है कि दिल्ली जो आपके पॉल्यूशन के मामले पे, प्रदूषण के मामले में आपके टॉप पर है, लेकिन वहाँ पे जो आपके केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल की सरकार ने वहाँ पे गाड़ियों के लिए ऑड इवन कॉन्सेप्ट लाया, एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेगी, एक दिन इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेगी। सरकारी स्कूल जो आपके गवर्नमेंट स्कूल है उसे प्राइवेट स्कूल के तर्ज पर डेवलप किया, तो ये कहलाती है नई नीतियाँ, नई पॉलिसी जिसके माध्यम से वो अपना विकास कर रहे हैं, तो ये काउंट होते हैं आपके नवाचार या नवाचार सूचकांक या इनोवेशन इंडेक्स के अंतर्गत। ठीक, तो ऐसे ही नई नीतियों और नई पॉलिसी जो काउंट होते हैं नवाचार के अंतर्गत, तो उसी इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्य में आपके फर्स्ट नंबर पर है आपके कर्नाटक, सेकंड नंबर पर है तमिलनाडु, थर्ड नंबर पर है महाराष्ट्र। कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक, हमारा छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन इसमें बहुत निचले स्तर पर रहा। बड़े राज्यों की सूची में कुल 17 राज्यों को शामिल किया गया था, हमारा छत्तीसगढ़ नीचे से थर्ड स्थान पर है, यानी 15वें नंबर पर है हमारा छत्तीसगढ़, जिसका स्कोर रहा आपका 8.06 स्कोर के साथ हमारा छत्तीसगढ़ 15वें स्थान पर रहा। यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में टॉप में रहा आपका दिल्ली, जिसका स्कोर था आपका 42.98। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, पूर्वोत्तर राज्य यानी सेवन सिस्टर्स की बात करें, तो उसमें है आपके फर्स्ट पोजीशन पे है आपका सिक्किम। यदि छत्तीसगढ़, यदि आपके इंडिया के जितने भी स्टेट है उसके यदि ओवरऑल पूरे के पूरे स्टेट में यदि काउंट किया जाए, यदि यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, पूर्वोत्तर और बड़े राज्य सभी में यदि हम देखें, तो उसमें अगर टॉप में देखेंगे तो उसमें टॉप पर है आपका दिल्ली, जिसका कारण मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आकर्षि कश्यप। आकर्षि कश्यप जिसका संबंध है आपके बैडमिंटन से, आकर्षि कश्यप जिसे भारतीय बैडमिंटन संघ द्वारा जारी किए गए नेशनल रैंकिंग में, इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा हूँ, नेशनल रैंकिंग, भारतीय आपके बैडमिंटन संघ द्वारा जारी किए गए नेशनल रैंकिंग में ये जो आकर्षि कश्यप है उसे सेकंड स्थान, द्वितीय स्थान उन्होंने प्राप्त किया है। ठीक, पहले इनका पोजीशन, पहले ये फिफ्थ पोजीशन पर थी, लेकिन हाल फिलहाल में उन्होंने एक टूर्नामेंट जीता है जिसके बाद उन्होंने तीन स्थानों का उन्हें जंप मिला है। अभी वर्तमान में आपकी महिला एकल रैंकिंग, नेशनल लेवल पे महिला एकल रैंकिंग में बैडमिंटन प्लेयर में उनको सेकंड पोजीशन मिला है। ठीक, यदि हम वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें तो वर्ल्ड रैंकिंग में जो आकर्षि कश्यप है वो आपके 152 यानी 152वें स्थान पर है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निकाय चुनाव। निकाय चुनाव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस साल होने वाले एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। देखिए अभी हाल फिलहाल में इस निकाय चुनाव से संबंधित हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार के कैबिनेट के द्वारा कुछ मंजूरी दी गई है। देखिए ये जो आपका इसमें कुछ प्रस्ताव पारित किए गए हैं उसको समझिएगा, इसमें चार पॉइंट बता रहा हूं, ये चारों के चारों पॉइंट एक सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन बन सकते हैं या कथन वाले प्रश्न बन सकते हैं, जिसमें पूछ सकता है कि निम्नलिखित में तो कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही नहीं है आगामी निकाय चुनाव के लिए, समझना। देखिए पार्षद चुनाव, हमारे प्रदेश में जो पार्षद चुनाव होते हैं, जो वार्डों में जो पार्षद चुनाव होते हैं वो आपके प्रत्यक्ष होते हैं। ठीक, ये तो जैसे का वैसे रखा गया, वार्डों में जो आपके पार्षद चुनाव है वो प्रत्यक्ष होंगे। दूसरा, महापौर और अध्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष होंगे, महापौर और आपके अध्यक्ष चुनाव ये अप्रत्यक्ष होंगे। देखिए जो आपका नगर निगम का जो अध्यक्ष है जिसे महापौर कहा जाता है, बाकी आपका नगर पालिका और नगर पंचायत के जो अध्यक्ष है उन्हें आपका नगर पालिका अध्यक्ष और आपका नगर पंचायत अध्यक्ष कहा जाता है। ठीक, तो जो आपके जो नगर निगम के जो अध्यक्ष है, जो महापौर है, उसे जनता डायरेक्ट चुनती है, यानी महापौर का जो चुनाव है वो आपका प्रत्यक्ष चुनाव हुआ करता था, जिसे डायरेक्ट जनता वोट देकर के चुनती थी। लेकिन कैबिनेट के द्वारा अभी जो मंजूरी उन्हें दी गई है, कैबिनेट के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया है उसमें यह निर्णय लिया गया है कि अभी जो महापौर का जो चुनाव है, महापौर का चुनाव भी आपका ये अध्यक्ष चुनाव के जैसे अप्रत्यक्ष होगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, महापौर चुनाव जो पहले प्रत्यक्ष हुआ करता था, जिसे जनता डायरेक्ट वोट
वोट देकर के चुनती थी महापौर को, वो अब अप्रत्यक्ष हो चुका है। यानी अब इन महापौर को नगर निगम के सदस्य यानी पार्षद वोट देकर चुनेंगे। ये जो महापौर है, महापौर का चुनाव पार्षद करेंगे। पहले जनता द्वारा डायरेक्ट चुने जाते थे, लेकिन अब ये पार्षद द्वारा चुने जाएंगे। ठीक, अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। नेक्स्ट, पद्धति चुनाव किस प्रकार से होगी? चुनाव मत पत्रों के माध्यम से होगी। ईवीएम के माध्यम से चुनाव नहीं होगा। अभी आगामी जो आपके निकाय चुनाव होने वाले हैं, जो नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, वो ईवीएम मशीन के द्वारा न होकर के आपके मतपत्रों के माध्यम से होंगे। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चुनाव का आधार क्या होगा? चुनाव दलीय आधार पर होंगे। दलीय आधार पर देखिए चुनाव दलीय आधार पर होंगे। पहले तो आप समझ लीजिए, जो पार्षद चुनाव है वो प्रत्यक्ष होगा, महापौर और अध्यक्ष चुनाव अप्रत्यक्ष होगा। पद्धति चुनाव की पद्धति कैसी रहेगी? मतपत्रों के माध्यम से वोट दिए जाएंगे। अब आता है आधार दलीय आधार पर होगा। देखिए, ये जो प्रस्ताव, जो दलीय आधार पर जो प्रस्ताव है ये, और ये जो चुनाव के लिए जो प्रस्ताव पारित किया गया कैबिनेट के द्वारा, ये इससे आम जनता को फायदा नहीं होता, इससे फायदा होता है राजनीतिक दलों को। राजनीतिक दलों को जो भविष्य में होने वाले जो चुनाव है उसका पूर्वानुमान लगाने के लिए इससे काफी फायदे होते हैं। देखिए, अभी कुछ समय पहले विधानसभा चुनाव हुए, अब अगले विधानसभा चुनाव के लिए एक पूर्वानुमान लगाने के लिए ये आपके पारित किए गए, ये प्रस्ताव पारित किए गए हैं। देखिए, मैं किसी भी राजनीतिक दल के पक्ष में या विपक्ष में नहीं बोल रहा हूं। जो आपके जो राइटर्स है, जो आप अगर पढ़ते होंगे संपादकीय पेपर में, जो संपादकीय पढ़ते होंगे, तो उसमें जो राइटर्स के थॉट्स आते हैं वो काफ़ी अच्छे रहते हैं, उनके थॉट्स से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, दलीय आधार पर चुनाव का मतलब क्या होता है? जैसे हमारा अगर इंडिया लेवल पर बात करें तो इंडिया लेवल पर आपके एक बीजेपी है और एक आपके कांग्रेस है, लेकिन ये जो बीजेपी और कांग्रेस है ये आपके राजनीतिक पार्टी है। अगर हम राजनीतिक दल की बात करें तो वो होता है आपका एनडीए और यूपीए। एनडीए में बीजेपी के साथ साथ उसके गठबंधन वाली और भी राजनीतिक दल होते हैं या और भी राजनीतिक पार्टियां होती है। यूपीए में कांग्रेस के साथ साथ उसकी समर्थन करने वाली और भी बहुत सारे आपके राजनीतिक पार्टियां होती है। तो इनका जो ग्रुप है वो कहलाता है आपका दल, राजनीतिक दल। बीजेपी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, लेकिन एनडीए एक राजनीतिक दल है, यूपीए एक राजनीतिक दल है। तो ये जो एनडीए के अंतर्गत जितनी भी उनकी समर्थन देने वाली उनकी पार्टियां हैं, तो पूरे भारत भर में जहाँ जहाँ की उनकी पार्टी, जहाँ जहाँ पर उनकी पार्टी मौजूद है, तो उनको अगर वोट पड़ेंगे तो उनको पड़ने वाले वोट के आधार पर या पहले से ही अनुमान लगा लिया जाता है कि अब ये जो चुनाव होने वाले हैं उसमें किसकी सरकार बनेगी। क्यों? क्योंकि पहले से ही उन्होंने समर्थन दे करके रखा है। तो ये होता है दलीय आधार पर चुनाव का फायदा। जो आपके जो बड़े चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, आगामी चुनावों के पूर्वानुमान लगाने में ये काफ़ी आपका मदद करता है। तो दलीय आधार पर चुनाव का मतलब क्या होगा? जो आपके निर्दलीय, जो आपके प्रत्याशी जो खड़े होंगे, जो निर्दलीय उम्मीदवार जो आपके पार्षद चुनाव में जो खड़े होंगे, वो अप्रत्यक्ष रूप से किसी न किसी राजनीतिक दल को या राजनीतिक पार्टी को समर्थन करेंगे। यानी कोई एक निर्दलीय या तो बीजेपी को समर्थन देगा या तो आपके कांग्रेस को समर्थन देगा, जिसके आधार पर यह पूर्वानुमान लगाना आसान होगा कि जो अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें जीत किसकी होगी, यह सुनिश्चित करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो प्रस्ताव लाने का मेन कारण यही है, इसमें जो मेन चीज है यह है आपके दलीय आधार पर चुनाव, दलीय आधार पर चुनाव। ठीक, तो याद रखिएगा, जो प्रस्ताव पारित किया गया उसमें जो पार्षद चुनाव प्रत्यक्ष होगा, महापौर और अध्यक्ष चुनाव आपका अप्रत्यक्ष होगा, चुनाव की पद्धति मत पत्रों के माध्यम से चुनाव होंगे, और आधार है वो दलीय आधार पर चुनाव होंगे। ठीक, नेक्स्ट है, देखिए, पार्षद चुनाव के लिए खर्च सीमा, पार्षद चुनाव के लिए खर्च सीमा। नगर निगम, देखिए, जो पार्षद आपके नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, नगर निगम के अंतर्गत जितने भी वार्ड शामिल है, तो नगर निगम के अंतर्गत आने वाले वार्ड, तो ऐसे नगर निगम जिसकी आबादी 3 लाख से अधिक है, उसमें पार्षद को चुनाव में खर्च करने के लिए आपकी जो सीमा है वो 5 लाख रुपए होगी। वहीं आपके 3 लाख से कम आबादी है तो वहां पे आपकी चुनाव खर्च सीमा 3 लाख है। ठीक, देखिए, ये जो आपका जो खर्च सीमा है, जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा बैक में और चलते हैं, जैसे जो दलीय आधार पे जो चुनाव है, तो जो एक आपका जो पर्टिकुलर एक अप्रत्याशी, जो अप्रत्यक्ष रूप से जो आपका निर्दलीय प्रत्याशी है, जो अप्रत्यक्ष रूप से किसी एक पर्टिकुलर बीजेपी या कांग्रेस को समर्थन देगा, तो उस राजनीतिक पार्टी के द्वारा उन्हें चुनाव में खर्च करने के लिए जो आपकी राशि है, ये जो खर्च राशि है, वो उस राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रदान किया जाएगा। ये भी एक बहुत
मेन फैक्टर है आपके दलीय आधार पर चुनाव का, जिसमें यदि आप एक निर्दलीय प्रत्याशी है और किसी न किसी एक राजनीतिक पार्टी को यदि आप समर्थन दे रहे हैं तो वो राजनीतिक पार्टी आपको चुनाव में खर्च करने के लिए, चुनाव में व्यय करने के लिए आपको राशि प्रदान करेगी। ठीक, तो देखिए नगर निगम आबादी जहाँ ऐसे नगर निगम जिसकी आबादी 3 लाख से अधिक है, 3 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगम में पार्षद को चुनाव में खर्च करने के लिए 5 लाख रुपए की राशि मिलेगी। अधिकतम वो 5 लाख रुपए अपने प्रचार प्रसार में खर्च कर सकता है। वहीं आपका ऐसे नगर निगम जिसकी आबादी 3 लाख से कम है तो उन क्षेत्रों में पार्षद को अपने चुनाव के प्रचार प्रसार के लिए अधिकतम उसके लिए जो खर्च सीमा है वो है आपका 3 लाख, 3 लाख से अधिक वो खर्च नहीं कर सकता। नेक्स्ट है नगर पालिका परिषद के अंतर्गत आने वाले पार्षद, उनके लिए जो खर्च सीमा है वो है आपके मैक्सिमम 1 लाख रुपए। और नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाले पार्षद जिसकी अधिकतम खर्च सीमा है आपके 50,000। ठीक, अब एक चीज समझिएगा कि ये जो आपका जो कॉन्सेप्ट लाया गया है यानी पार्षद चुनाव, प्रत्यक्ष महापौर अध्यक्ष चुनाव, अप्रत्यक्ष पद्धति मतपत्र के माध्यम से और आधार दलीय आधार पर, तो ये महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष करने वाला हमारा छत्तीसगढ़ 3रा राज्य है। इससे पहले मध्य प्रदेश, राजस्थान और आपका छत्तीसगढ़, जहां जहां पर अभी कांग्रेस की सरकार बनी है, ठीक, जहां जहां पर अभी कांग्रेस की सरकार बनी है, देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, किसी भी राजनीतिक दल का ना ही समर्थन है ना ही उसके विपक्ष में कुछ चीज़ें बोली जा रही है, जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ें बताई जा रही है। चैनल पे आकर के बीजेपी कांग्रेस मत खेलना, ठीक है। तो देखिए, तो जो मध्य प्रदेश है वो पहला राज्य है जिसने महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष किया, मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, अब हमारा छत्तीसगढ़ है वो 3रा राज्य बन चुका है जहाँ पे महापौर चुनाव अप्रत्यक्ष होने वाले हैं। सारे कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, सारे कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, स्पेशली इस निकाय चुनाव को। और यहाँ से आपका ये लौटते हुए मानसून और ये इनोवेशन रैंकिंग, ये तीन चीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी प्रकार का डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, जो लोग भी टेस्ट पेपर दे रहे हैं वो अपने मार्क्स को जरूर सबमिट कीजिएगा। पूरा नाम अगर बताना नहीं चाहते हैं टेस्ट सीरीज में, कि आप अपना नाम लोगों के सामने लाना नहीं चाहते हैं, तो अपने नाम का पहला अपना नाम, देखिए फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, या तो फर्स्ट और मिडिल नेम आप उसमें मेंशन कर सकते हैं या फर्स्ट नेम ही मेंशन कर सकते हैं। ठीक, आपकी प्राइवेसी को कोई खतरा नहीं होगा, कोई नहीं जान पाएगा, लेकिन आप अपने आप को जान जाएंगे। तो फर्स्ट नेम एटलीस्ट मेंशन कर दीजिएगा, डरने की कोई बात नहीं, आपकी चीज़ें, आपकी जो भी डाटा आपने शेयर किया वो सारे प्रोटेक्टेड है। ठीक, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, धन्यवाद।